मिक्सोपैथी के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। इसे लेकर शुक्रवार को जिले भर में डॉक्टर सुबह से ही एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। निजी अस्पताल, क्लिनिक व डायग्नोस्टिक सेंटर में रूटीन जांच और OPD पूरी तरह से बंद रही। सिर्फ इमरजेंसी में मरीजों का इलाज और जाँच किया गया। इसके अलावा कोविड के गंभीर मरीजों का भी इलाज किया गया। IMA के डॉक्टर RP त्रिपाठी ने कहा कि सर्जरी सिर्फ सर्जन ही कर सकता है। इसके लिए सर्जन ने काफी अध्ययन और शोध किए होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कभी सर्जरी की पढ़ाई नहीं की और उन्हें सर्जरी की अनुमति दी जा रही है या खतरे से खाली नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति दिया जाना गलत है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करेगा तो इसका दुष्परिणाम जनता के साथ ही एलोपैथ के डॉक्टर को भी भुगतना पड़ेगा। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज गंभीर हुआ तो अंत में एलोपैथ के डॉक्टरों के पास ही केस आएगा। इससे डॉक्टरों की समस्याएं बढ़ेंगी, साथ ही लोगों का विश्वास भी कम होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए IMA के डॉक्टर RP त्रिपाठी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, एक बार एक्सीडेंट होता है तो उसको हम लोग को फॉलो करने की बाध्यता होती है, तो उसको हम लोग को फॉलो करना है। उसकी गाइडलाइन के काम हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जहाँ ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ विचार तरह तरह के होते हैं, तो उसको कहने के लिए यही सवालों की लोकतंत्र की खूबी है। हम चाहेंगे कि इसको विचार को प्रकट करने की कोशिश हो रहा है तो सबसे पहले हम चाहेंगे, क्योंकि एक इससे करना है, सभी लोग कुछ कुछ बोलेंगे तो फिर कुछ विचार देखा यही गया है कि हर बार असफल विरोध के नाम पर विरोध तो हो जाता है। सरकार द्वारा जो भी गलत डिसीजन लिए जाते हैं वो वापस हो। आप चाहे नीति आयोग द्वारा इसके पहले जो मेडिकल काउंसिल को समाप्त करके दूसरा नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया गया। डॉक्टर RP त्रिपाठी, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, IMA UP स्टेट। भारत सरकार ने एक गजट करके और आयुष के चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति प्रदान की है। इसमें लगभग 70 के आसपास सर्जरीज हैं जिनको वो कर सकते हैं। आयुष में आयुर्वेद भी आता है, यूनानी भी आता है, सिद्धा भी आता है, होम्योपैथ भी आता है। हम लोगों ने आज तक कभी इन लोगों को सर्जरी करते हुए देखा नहीं है। हमारी सिर्फ मांग ये है कि इन लोगों को पहले ट्रेंड करिए। हमारा विरोध किसी आयुर्वेद से, किसी पैथी से नहीं है, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथ, ना यूनानी, ना सिद्धा। हम चाहते हैं कि ये सब पद्धतियाँ फले फूलें और अपने वैभव को प्राप्त करें, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं, जो अधिकार उनको दिया गया है, वो उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनको तैयार किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए सर्जरी करने के लिए, और फिर उसके बाद उनको इस तरह का अधिकार दिया जाए। तमाम MD आयुर्वेद करके शहर में बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। मरीज उनके पास MD मेडिसिन समझ करके जाता है। उनका पर्चा जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये MD आयुर्वेद का है जिसने खाली MD लिख रखा है। तो उसी तरह की चीज़ें आएंगी जब वो सर्जरी करने के लिए आएंगे, सर्जरी करेंगे। अब मेडिसिन में तो पेशेंट के पास एक ऑप्शन है, वो डॉक्टर बदल देता है MD मेडिसिन के। उसको अपना एहसास हो जाएगा, आभास होगा कि उसने गलती किया है, लेकिन सर्जरी एक बार हो गई तो उसके बाद वो एहसास क्या करेगा? अगर वो जान भी जाए कि किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने किया है, उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा दूसरे अस्पताल में जा करके, उसके बाद भी उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी इसका कोई भरोसा नहीं। अगर वो हमारे यहाँ आता है और मान लीजिए हम पूरी प्रयास करने के बाद भी उसको बचा नहीं पाते हैं तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली ये विरोध नहीं है, ये जन जागरण है। हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ आपके हित में नहीं है, आप जागरूक हो जाइए और आप इसका विरोध करिए। ये सिर्फ जन जागरण के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है। ये एक दिवसीय है या रोज चलता है? ये एक दिन का है, आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी, लेकिन हमको उम्मीद ये है कि जनता को जागरूक करने का जो अभियान है वो बिना इसके भी हम लोग कर सकते हैं। ये अभी एक दिन के लिए किया गया है और सिर्फ ये एक संदेश देने के लिए किया गया है जनता को, कि हम जनता को बतावें कि आपके साथ जो हो रहा है वो उचित नहीं है। एक गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो हमारे आयुष विधा के लोग हैं, ख़ास करके उसमें जो इसके एलोपैथी से परे यानी यूनानी, होम्योपैथी और आपके
अन्य पैथी के लोग हैं उनमें कुछ पैथीज को सर्जरी करने की बात कही गई है और वो शासन ने हाई स्तर पर विचार किया होगा जिससे कि उन्होंने उनको ये आयुर्वेद को इस तरह से छूट दी गई है कि वो भी सर्जरी कराएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसी के विरोध में कॉल किया था कि ये छूट नहीं दी जानी चाहिए, इसमें एलोपैथी और होम्योपैथी और आयुर्वेद और यूनानी ये सब मिक्स हो जाएंगे, मिक्सोपैथी नाम दिया उन्होंने कि मिक्सोपैथी चलेगी। तो उसी संदर्भ में उन लोगों ने आज दिन बंद रखा था, लेकिन उसमें भी उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं, इंडोर सेवाएं और जो भी कोविड से संबंधित सेवाएं थी वो छूट दे रखी थी, उसको किया है उन्होंने। फिलहाल इससे कहीं भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के सभी अस्पताल पीएससी, सीएससी और हमारा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल ये सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे और कोई जनता को दिक्कत ना हो इसलिए ये पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की गई थी।